हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करूंगा किड क्यूज के सॉन्ग पे जो है दिन रात। आप में से मतलब बहुत बंदों की रिक्वेस्ट आई थी इसकी कि दिन रात पे रिक्वेस्ट करने की। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। बाकी बाय द वे, मैं इनका एक सॉन्ग है पतली पतंग, उस पर मैंने रिएक्ट करा था। आप देख सक आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई कार्ड में, जो मतलब साइड कार्ड होता है उसमें मिल जाएगा। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कार पे ये लिखा था, कीट लिखा है। के डबल ही तो लिखा भी है, नहीं पता कीट, वही कीट ही लिखा है फिर कुछ और लिखना चाह रहे हैं, मतलब जो भी है। तेरी चिट्टियां दंदा दा हासानी मैं तेरा दी जाने कट दा पीछे सीढ़ी उत्ते प्या जो गंडा सानी बैरियां नू देख वड़ी दा गल सुन मुट्टी आरे कदू करी झूठे वादे की तेनू जे तेरे नाल प्यार हो गया जिथों असी करते बलोंग नी मुश्किल मिलदा नी मौका बलिए तेरी तिखी नक वाला कोका बलिए नी मैं दिन रात तेरे बारे सोचा बलिए गड्डी विच रखदा ग्लोक नी तेनू दिल च वसा के रखदा साडी जिंदगी दा बिलो रूल नी रानी दिल दी बना के रखूंगा एवें पैन भुलेखे नी तेरा प्यार नी जैवें ठेके नी हस हस कर की काबू मैनू टुकड़े करके चेपे नी गल सुन मुटियारे तदू करी झूठे वादे जो हिट था ना वो मतलब काफी ड्रामेटिक हिट था। दिखाता आपको, बैक करता हूँ। जैसे इन्होंने मारा की ट्यून, जैसे उनके हेड पे जैसे हिट करा था, ऐसा लगा जैसे हिट नहीं करा वो दूर फेंका, ऐसा लगा कि साइड कराओ चल जा यहाँ से। मस्त है, मतलब ड्रामेटिक सी फील आई। देखना एडिटिंग अच्छी है, बहुत सही एडिटिंग है, बहुत सही। चोरी चोरी दूरों वेख के लोक करन बदनामी नी चुप चुपीते का तू लड़दी पौनी तेनू गानी सी हीरिया दे विच तैनू सोनिए मौका मिले डुबा दांगे तेनू पुठा बोलदा खून दे विच नवा दांगे जिथों असी करदे। लाइन कितनी सही थी, लाइन मस्त लगी मेरे को कि हाँ मतलब कि लाइन ये कि मौका मिला तो तेरे को मतलब पूरे डायमंड्स में नहला देंगे, इन सेंस डायमंड्स की बारिश कर देंगे, डायमंड्स मतलब तेरे को गिफ्ट करेंगे, और अगर किसी किसी बंदे ने तेरे को तंग कराना था उस बंदे को खून में नहला देंगे, इन सेंस उसका मर्डर कर देंगे। लाइन मस्त है। साडी जिंदगी दा बिलो रूल नी रानी दिल दी बना के रखूंगा चेरे टेडी अख नाल तेरे वाल देख दे रब देखदा वे कख नहीं ओ बचना कईयां कोल नहीं मुकदियां गल्लां पतलो तेरे यार कोल कैश नहीं ओ मुकना ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੈਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਚੱਲਦੀ ਐ ਲਿਆਉਂਦੀ ਬਿਲੋ ਨੇਰੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੇੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਬਸੋਏ ਤੂੰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਪਿੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁੱਕਦੇ ਬਲੀਏ ਲਾ ਦੂ ਯਾਰ ਢੇਰੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲੋਂਗ ਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦਾ ਨੀ ਮੌਕਾ ਬਲੀਏ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਨੱਕ ਵਾਲਾ ਕੋਕਾ ਬਲੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਬਲੀਏ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਗਲੋਕ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਓ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਗਲੋਕ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਈਬ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਵਾਈਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਲੋ ਰੂਲ ਨੀ ਰਾਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ यार जल्दी खत्म हो गए तो यार मेरे को सॉन्ग ना काफी छोटा लगा यार और बनवा दिए तो सॉन्ग यार छोटा
छोटा लगा बहुत कि बहुत बहुत शॉर्ट था कि पता चल मजा आ रहा था इतना बहुत यार इतने यूजेस सॉन्ग के 2 मिनट भी खत्म नहीं हुआ सबसे पहले तो लाइक करूं इसको और ये सब कितने व्यूज हैं 40,000 वो ये सॉन्ग तो यार मतलब लिटरली चलो नए आर्टिस्ट है वो मान लिया 30 नवंबर को ड्रॉप हुआ है एटलीस्ट हाफ अ मिल तो डिजर्व करता है ये सॉन्ग एटलीस्ट हाफ अ मिल तो डिजर्व करता है ये सॉन्ग बहुत ऑसम सॉन्ग है यार नेक्स्ट लेवल सॉन्ग है लिटरली मजा आ गया सुन के और मतलब जैसे पहले तो बात करते कि सॉन्ग मतलब दिन रात था टाइटल को क्या मतलब जस्टिफाई करा वीडियो और लिरिक्स ने क्या मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को वीडियो समझ नहीं आई कि ये टाइटल को कैसे जस्टिफाई कर रही थी कि दिन रात वाला क्या सीन बताना चाह रहे थे ये हाँ लिरिक्स में जरूर था ये जिस तरह मतलब चलो ये कह सकते हैं कि जैसे वीडियो में ये दिखाया कि कैसे उसकी प्रोटेक्शन मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की प्रोटेक्शन करने के लिए कैसे करते हैं मतलब सीधा अकेले ही उनसे मतलब रिवेंज लेने या फिर उनको रेस्क्यू करने अपनी गर्लफ्रेंड को चले जाते हैं वो चीज़ तो मैं मानता हूँ लेकिन मतलब दिन रात वाला मेरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया लेकिन जो लिरिक्स थे ना उसमें तो हाँ जिस तरह बता रहे थे वो जिस तरह मतलब कि वो हाँ डायमंड दी कर दू बारिश मतलब सॉरी डायमंड विच नहला दूंगा जिसने तेरे को छेड़ा उसको मतलब खून में नहला दूंगा ऐसे जो लिरिक्स थे लिरिक्स तो बहुत बड़े थे जैसे बता रहे थे कि हाँ मतलब लिरिक्स तो लिरिक्स मेरे को एक नंबर लगे हाँ टाइटल को जस्टिफाई फॉर श्योर करते हैं वीडियो मेरे को थोड़ी लगी कि जस्टिफिकेशन मेरे को नहीं दिखा लेकिन जो लिरिक्स थे ना जैसे लिरिक्स में ये बता रहे थे मतलब जो जो चीज़ें बता रहे थे कि कितना मतलब पूरा ये सॉन्ग ना गैंगस्टर फील वाला था और काइंड ऑफ रोमांटिक तो नहीं कह सकते यार गैंगस्टर फील वाला ही था तो इस सॉन्ग मतलब जो वीडियो ने जस्टिफाई करा है लिरिक्स को टाइटल को नहीं लिरिक्स को जस्टिफाई करा है जो ऐसे लिरिक्स में बता रहे थे वो गैंगस्टर पूरी फील दिखा रहे थे ना वो सब था वो मतलब मजा आ गया वो देख के लिटरली मतलब वीडियो यार नेक्स्ट लेवल है मेरे को पतली पतंग की वीडियो भी अच्छी लगी थी इसकी वीडियो भी अच्छी है इसकी तो यार मेरे को नेक्स्ट लेवल लगी इसके मजा आ गया पूरा मतलब जो वाइब आ रही है ना लो की वाइब काइंड ऑफ पूरी गैंगस्टर फील मजा आ रहा है वो देख के तो और जैसे जब वीडियो का इंट्रो स्टार्ट हुआ था ना किडनैप करते हैं और जैसे जैसे वो वीडियो स्टार्ट हुई तो लिखा था दिन रात पोस्टर था ना मोशन पोस्टर कह लो वो जैसे वो ब्लड स्टेन्स की तरह आता है स्क्रीन के ऊपर वो चीज मेरे को एक नंबर लगी थी मतलब मजा आ गया था कि काफी क्रिएटिव इंट्रो था मजा आ गया था फिर वो जैसे मिड में जब रेस्क्यू करने जाते हैं जब वो गन से हिट नहीं करते उसके हेड पे वो ऐसा मेरे को काइंड ऑफ ड्रामेटिक सा लगा लेकिन मजा आया देख के जैसे जैसे उन्होंने जैसे 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 स्पीड स्लो थी पहले स्पीड फास्ट में जाते हैं उसके पास जैसे उसके हेड के पास आते हैं स्लो होती है फिर जैसे हिट करते हैं और फास्ट होती है बस एक चीज़ है मेरे को ये समझ नहीं आई ये इन्होंने एडिटिंग से करा ये सब चीज़ें या फिर उन्होंने सही में पहले फास्ट लाए फिर स्लो लाए फिर ऐसे मतलब फास्ट करके उनको दूर फेंक दिया हिट तो नहीं लगा वो दिखाना हिट चाह रहे थे ड्रामेटिक मतलब काफ़ी ड्रामेटिक वे में कह सकते हैं हिट ही है पर जैसे आप देखेंगे तो आपको फील नहीं होगा हिट है वो ऐसा लगेगा जैसे पुश कराओ साइड में मज़ा आ गया वो देख के वो चीज़ अच्छी थी लास्ट में जो डेड बॉडी दिखा रहे थे चेयर पे यार मतलब मज़ा आ गया वीडियो देख के लिटरली वीडियो तो यार नेक्स्ट लेवल थी और सॉन्ग भी मेरे को बहुत मजा आया पूरा मतलब चिल वाइब चिल तो नहीं पूरा गैंगस्टर फील वाला सॉन्ग था वाइब वाला सॉन्ग था पूरा लोग की मतलब टोटली लोग ही नहीं होगा आप अगर फील में लेके सुने तो पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ जाएंगे वैसे एक दो बार इस सॉन्ग को सुनना आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फिर आपको पता चलेगा कि इस सॉन्ग की मतलब पूरी वाइब डिफरेंट है मजा आ जाएगा इतना ही रिएक्शन इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं अपना फेवरेट पार्ट लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और आर्टिस्ट पे किसी पर्टिकुलर सॉन्ग पे रिएक्ट करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं फॉर श्योर उस पे रिएक्ट करूँगा और एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बतानी है कि एक्चुअली मैंने बोहेमिया करण ओजला का जो न्यू सॉन्ग ड्रॉप हुआ था एक दिन उस पर मैंने रिएक्ट करा था लेकिन सागा म्यूजिक ने उस रिएक्शन को ब्लॉक कर दिया कॉपीराइट क्लेम्स की मतलब बेफालतू में कॉपीराइट क्लेम डाल दी बेफालतू नहीं चलो जेन्युइन चीज़ है कॉपीराइट क्लेम डाल दिया और ब्लॉक कर दिया मैंने डिस्प्यूट भी करा कि मेरे को एटलीस्ट शो करने दो मोनेटाइज नहीं चाहिए मेरे को मोनेटाइज तो कैसे करूँगा अभी न्यू चैनल है वो भी उन्होंने मैंने डिक्लाइन कर दिया तो मैंने फिर उसको IGTV पे डाला है तो आप जिसको भी देखना है मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं मेरे को मतलब कीट्यूज पवन और वीसिंग्स के बारे में इतना पता नहीं था
मैंने सिमरनजीत पटवालिया की वीडियो में देखा जरूर था उन्हें, पर ये नहीं पता था कि मतलब इतने सही सॉन्ग्स हैं उनके। आप मतलब आशो किरसी मुझे, मैंने नए सिंगर डिस्कवर करे वो तीनों, सो थैंक्स अलॉट गाइस। और अगर और कोई नया सिंगर जो आप चाहते हैं कि मैं इस पर रिएक्ट करूँ तो कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर बता सकते हैं, मैं इस पर रिएक्ट करूंगा। सो बाय गाइस।